फ्लाइट थी, हमको 2 बजे के लिए चेकआउट के लिए बुलाया। कल की हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट थी 5:55 पे, जो हमको 2 बजे हमको चेकआउट के लिए बताया गया, जिसमें 4 घंटे बोर्डिंग के लिए लगे हम लोगों को, 4 घंटे लाइन में डर के बोर्डिंग कराए हम लोगों का, और 5:55 की थी, हम वेटिंग में थे, हमको 2 घंटे डिले बताया गया, हम एयरपोर्ट पर ही वेट करें 8 बजे, 8 बजे के बाद बोले 10 बजे, 10 बजे का हम जाके पूछे भी क्या प्रॉब्लम है, कुछ पार्ट्स नहीं है इसके एयर इंडिया के, और वो अच्छा फ्लाइट 10-11 बजे बताया कैंसिल कर दिए, मगर 11 बजे के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर इंडिया का लेने के लिए तैयार नहीं था कि आप कहीं जो क्या। जब हम लोग जी उसमें हम देखिए फ्रूट्स वालों का तो हम बात भी करे, वो लोग मोमिन वाले देखो क्या नाम मोमिन वालों से हम करे थे, वो बंदा आया था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, पानी के बॉटल था प्रोवाइड करा वो बंदा, मगर ये आसमानी और वो करवानी जो बोलते है ना प्रॉब्लम जो आती, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, उनकी भी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, मगर जिस चीज की जिनकी गलती है वो अपनी गलती सुधारना। जब अगर कोई फ्लाइट हमको अगर हमको प्रोवाइड नहीं कर सकते तो 1 से 1.5 घंटे में उनको प्रोवाइड करने का हक है हमारा या किसी तरीके से, मगर वो लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं, मैनेजर तो आने के तैयार नहीं, अभी तक हमको मैनेजर तक नहीं मिला, कितने कॉल कर रहे बात करने के लिए तैयार नहीं। मोमिन से कितने जने ट्रेवल्स कर रहे थे, कितने मेंबर से आप लोग? 30 जने कुछ है, 30 जनों के साथ हो, साथ हुआ ये बंदा रहा। और मोमिन ट्रेवल्स वाले इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी है, जब हम लोग को नीचे लाने गया होटल वहाँ पे एयरपोर्ट पे लगेज छोड़ दिए, आदमी होटल को लगेज ला के दिए, वो और बिस्किट केक जो भी फैसिलिटी थी वो अपनी तरफ से करे, मगर दूसरे जो ट्रैवल्स वाले थे उन लोग प्रोवाइड नहीं करे, किसी चीज की नहीं है उन लोगों को। जैसे दूसरे ट्रैवल्स कैसे कैसे ट्रैवल्स नहीं, उसके अंदर कई नाम है, उसके अंदर अलफते अपने अपने नाम बताओ फटाफट, इब्राहिम खलीलदार फते है, अलफते अकबर ट्रैवल्स भी है उसमें, अकबर ट्रैवल्स लिंक ट्रैवल्स उसके अंदर कई ट्रैवल्स वाले हैं। और ये ट्रैवल्स वालों का तो देखो बुराई नहीं कर सकते, दोनों बेचारे हैं, एयर इंडिया का एयर इंडिया का हमारा प्रॉब्लम, उनको प्रोवाइड करना है हमारे को, चलो 24 घंटे होने के बाद भी हमको अगर फ्लाइट प्रोवाइड नहीं करता तो फिर क्या मतलब, और कितने दिन रखेंगे होटल में? फी मेंबर है 150 मेंबर यहाँ पे है, 175 ऑलरेडी एयरपोर्ट पर चल रहा वहाँ पे, हमको कितने दिन होटल में रखेंगे बताइए? अब आप लोगों का टोटल कितना का काफिला है? ये हमारे अलग अलग कोई 50 का काफिला है, टोटल यहाँ 175 मेंबर है हम लोग, 50 आदमी की फ्लाइट है, दूसरी कोई फ्लाइट। तो ये आपके एजेंट से आप लोग बात नहीं करे? एजेंट से बात करे भाई, अब वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलो, हम दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते बोल। नहीं जैसे कि हम लोग बात करे थे तो वो बताए कि एयर इंडिया का जो है आप लोग ही ऑफर करे थे कि हमारे को यही फ्लाइट होना है। हम किसी को नहीं, अब देखिए बाद हफ्ता हमको ये बोला गया था, बास को तो एयर इंडिया बोले गए थे वो ऑफर करके दिए, मेरे को तो यही ऑफर था कि भाई स्पाइस जेट या सऊदी अरब से करा के दे देंगे हमारे को, हम बोले अगर एयर इंडिया का तो हम तो अभी डॉट गुड बोल के अपन ले लिया, अपन जाना है अपने उम्री को बोल के। तब आपको ये जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? एयर इंडिया की प्रॉब्लम है सर, ये एयर इंडिया वाले प्रॉब्लम हल करना ना अपना भाई, अब एयर इंडिया वाले तो भाई जा, अगर मेरे को फ्लाइट बुक करने वाली है जो सस्ती दिखी मैं वो करूंगा। ये होटल में आप लोग जो रुके हुए हैं जी तो किसके तरफ से? ये तो हमको रात में जब हम लोग एहतजाज करें हमारे खाने पीने का या रहने का इंतजाम करो, रात में 4 से 5 बजे हमको जब कर रहे थे, हाँ नहीं एयर इंडिया से करे हमको 4 बजे करे वो भी हम करने के बाद रुके हुए थोड़े, हम 175 मेंबर तो मेरिट में है और दूसरे 150 मेंबर जो थे जो कल इस पे गोलकुंडे में ठहरे थे उनको सुबह चेकआउट कराया गया, उनको फिर एयरपोर्ट में लाके बैठा गया, अभी भी एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, एहतजाज करे वहाँ पर भी उन लोग एहतियात करें और मतलब उनको भी गैर गलत बात करके हटा दिया जा रहा है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की है नहीं। तो आप तेलंगाना हुकूमत से आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? भाई हुकूमत से ये चाह रहे हैं, हम 300-450 मेंबर है जिसमें मरियाल गोड़े के है, कड़पा के है, लातूर के है, मुंबई के है, बाजी बाज उस फ्लाइट से मुंबई से भी है फ्लाइट उसके अंदर, तो किस तरह खा लूंगा आप कहाँ जाएंगे बताइए? तो हम यही चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो कुछ हालो एयर इंडिया वाले वो करो आप, ये हमारे जितने टूर्स और ट्रैवल्स वाले वो तो हमारे साथ बने आके बात तो करें, कम से कम हमारी प्रॉब्लम तो फेस करें भाई, पैसे ले लिए छोड़ दिया भाई, एक बंदा आ रहा मोमिन ट्रैवल्स वाले का मानते हैं और इनके ट्रैवल्स वाले हैं अल्फाते वाले, इनके सब दुर्ग के साथ ही है। आप हमें ये बताइए आप जो टूर से ट्रैवल से गए थे आप पेमेंट उनको करें तो आप ये नहीं समझ रहे कि उनकी गलती नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम एयर इंडिया ट्रैवल्स की फेस करो आप जी, नहीं आपकी नजरिए से गलत ये टूर वाले नहीं दिख रहे आपको? टूर वाले जो है ना क्यों बोले तो तौर पे बोलेगा हमको टिकट दूसरा दियो और दूसरा शहर यानी हमारे रिटर्न पैसे रिटर्न करो, एयर इंडिया वाले बोले कुछ नहीं होता सिर्फ आप लोग ठहरो रिपेयरिंग होगा जब जाना कुछ नहीं होता। हमारे साथ भी ट्रैवल एजेंट भी है साथ में करने वाले
वो भी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं भाई। देखिए अब अचानक हो गया तो अच्छा, आप लोगों का कितने दिन का पैकेज था? हमारा 15 डेज का पैकेज था, वो लोग 13 डेज देते, जिस दिन जाते वो दिन भी काउंट करते हैं हमारे से। तो अब ये जो दो दिन डिले हो गया ये पैकेज में, मैंने सुना हम भी बोले चलो ये प्रॉब्लम आ गया एयर इंडिया की, हम मानते हमारा टिकट और दो चार दिन, दो दिन अगर डिले होता दो दिन बढ़ा के एक्सटेंड करके दे, तो वो देने भी तैयार नहीं है। किसको बोले आप ये बात? वही बात एयर इंडिया के सबसे बात करो, वो तो बात भाई एयर इंडिया के भाई लोग बात करने को तैयार ही नहीं है। अगर हम जरा एहतियात करके बात करेंगे तो सिक्योरिटी को लाके ठहरा करते रहे, और मैं ऐसे कई है जो बार बार एयर इंडिया से प्रॉब्लम आ रही वो सॉल्व नहीं हो रही, और तकरीबन एजेंट लोग भी क्या करे एयर इंडिया से ही बुक करे कम पैसे देके। देखिए हम लोग यहाँ पर अल्लाह ताला की क्या भी आजमाइश है, जो भी आप लोग हम लोग को कुछ कोशिश कीजिए, इतनी तकलीफ हमको हो रही है, जहाँ हमको जो करने आए हमारे लिए उसको आप लोग वो करने नहीं दे रहे, आप लोग कुछ करिए। आप कब से मैडम? हम लोग यहाँ एयरपोर्ट से कल से, कल से आपकी भी एयर इंडिया फ्लाइट थी? जी हाँ एयर इंडिया फ्लाइट है, बहुत एयरपोर्ट अभी तक एयर इंडिया से कुछ भी रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं आ रहा, रेस्पॉन्सिव दो घंटे भर रहे हैं, कोई चार घंटे भर रहे, कभी स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, ऐसा बात करने को कुछ रेस्पॉन्सिबल दे दे रहे हैं। कल से हम लोग कल हम बन के घर से निकले हम लोग 1 बजे से, हम लोग को तो पहले एयर इंडिया वाले कुछ रेस्पॉन्स नहीं करे, शाम के 4 बजे तक हम लोग को बिठा के रखे, हम लोग कुछ एक एक घंटा बिल्कुल डिले करते गए, इसके बाद लेके यहाँ छोड़े सुबह से, तो एयर इंडिया वालों को कुछ पता नहीं है। कितने जने हैं यहाँ? हम लोग 53 जने अकबर ट्रैवल वाले, लेडीज में, लेडीज एंड जेंट्स अकबर ट्रैवल। हाँ जी अकबर ट्रैवल में कोई नहीं है यहाँ पर अभी तक, और हम लोग को ये बोल रहे कि ये जो फ्लाइट डिले हुई हम लोग बोल रहे कि एक्शन अगर दिना बढ़ा दोगे तो नहीं बढ़ाते बोल रहे, तो हम लोग ये मुसीबत कहाँ से उठाना बोले, और अहराम बन के रहना तो नहीं है 12 घंटे के अंदर अहराम का उमरा करना है, 2 दिन हो गया हम लोग को अभी तक वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत बड़ा इशू, हम लोग बकरा दम देना पड़ता है अहराम उतार, हम लोग नियत करके बने सो ही हम ना 15 दिन का उमरा है, आज 3 दिन गुजर गए हम ना इबादत करने के लिए, हम ना वक्त नहीं है, वह एयरपोर्ट वाले हमको बोलिए जरा हम करको, हमको 2 दिन बढ़ाना चाहिए, हम इबादत नहीं कर सकते, हमको ऐसा महराम बनकर कुछ भी बहुत तकलीफ हो रही है। हमें तिरुपति वाले ही, तिरुपति बद्दल के ट्रैवल्स वाले, हम बुला लेंगे। आपके साथ कितने घर वाले आपके? हमें पूरे घर वाले 4 ही, मर्द बने कोई नहीं है, इसलिए हमको तकलीफ रहे, 2 दिन हम उम्रे के लिए आए ही ना, हमको रोज कम पड़ जाते ही, 14 दिन बोले अब 13 दिन गुजर गए, अब 9 दिन कर बोलते हैं, हमें क्या इबादत कर दी लिए बोलो, इतने दिन से आई ही हमें 2 दिन, मगर हमारा तकलीफ रहे तो मैं बोल को हम ना आपको उम्रे की अभी 2 दिन अगस्त बोल के लिए हमको इब्रा कराओ, शुक्रिया है तो तुम्हारा। अच्छा रिक्वेस्ट करते पैसे बनको, हमको 9 दिन का उम्रा करें तो हमको कैसी तकलीफ रही? मोबाइल में देखिए। हाँ बोलो, हमको 2 दिन 3 दिन गुजर गई है, 2000 रुपए पैसा लिए, 3 दिन बड़ा लगा था एयरलाइन वाले, आके भी क्या फायदा बोलो, फ्लाइट वाले हमको जरा बोलो, तुम लोग बोलो हमको, हमें अल्लाह की इबादत करने के लिए ना आई है, उम्रा करने का तो 16 दिन लगता है, 16 दिन का आपको अभी कितना दिन यहाँ दो दिन होगा, 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए आई नहीं, हमें 5 स्टार होटल में खाना खा के इधर बैठने वास्ते आराम करने वास्ते हम खा सकती हैं बोलो, ऐसा करें तो कैसा बोलो हमको ऐसा क्या, तो ऐसा अच्छा है करने का।